और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं रेगुलर अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग मास्टर केपी। मेरे किचन में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया डेजर्ट लेकर आई हूँ, कैरेट कस्टर्ड की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 4 गाजर लिए हैं। इसे पिलअप करने के बाद हम ग्रेट कर लेंगे। पिलअप करने के बाद फ्रेंड्स हम ग्रेट कर लेंगे गाजर को। ग्रेटर हमें इस प्रकार से मोटा वाला ही लेना है, बारीक वाला ग्रेटर हमें नहीं लेना है। गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें रेड वाले गाजर ही लेना है। अब हम गैस पर कढ़ाई गर्म कर लेंगे फ्रेंड्स और उसमें ग्रेट किए हुए गाजर डाल देंगे और इसे थोड़े से भून लेंगे अच्छे से। जब तक ये थोड़े थोड़े पक जाए तब तक हमें इसे चलाना है। गैस की फ्लेम अभी मैंने स्लो ही रखी है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, गाजर थोड़े थोड़े हमारे भून चुके हैं। मुझे 5 से 6 मिनट लगे फुल गैस पर। अब मैं इसमें दूध ऐड करती हूँ फ्रेंड्स। दूध मैंने 1 लीटर लिया है, ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बचा लूँगी मैं कस्टर्ड मिलाने के लिए और इसे फुल गैस पर हिलाएंगे। दूध डालने के बाद फ्रेंड्स मैं इसमें 4 चम्मच शक्कर ऐड कर देती हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करें। कभी कभी गाजर ज़्यादा मीठे रहते हैं तो शक्कर कम लगती है। अब इसे पकाएंगे थोड़ी देर। अब हम फ्रेंड्स 1 कटोरी में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे और उसमें जो दूध मैंने बचाया था वो ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध में अच्छा उबाल आने लगा है। मैंने इसमें 2 चम्मच शुगर और ऐड कर दी थी। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करें। जब दूध में अच्छा उबाल आ जाए उसके बाद ही हमें कस्टर्ड वाला दूध इसमें मिक्स करना है। यदि आप इसमें मावा मिक्स करना चाहो तो इस स्टेज पर आप मिला लीजिए। मावा डालने पर भी कैरेट कस्टर्ड बहुत बढ़िया लगता है। इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी मैं। जब अच्छा उबाल आएगा उसके बाद हम धीरे धीरे इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। अब फ्रेंड्स मैं इसमें काजू और बादाम काट लिए थे मैंने, वो मिला लूँगी और इसे थोड़ी देर और अच्छे से पकाएंगे। दूध में अच्छा उबाल आने लगा है, ये देखिए फ्रेंड्स। अब हम धीरे धीरे कस्टर्ड वाला दूध ऐड करते जाएंगे इसमें। कस्टर्ड वाला दूध डालने के बाद फ्रेंड्स हमें लगातार इसे चलाते रहना है, वरना कस्टर्ड नीचे चिपक जाएगा। कस्टर्ड डालने के 2 से 3 मिनट बाद फ्रेंड्स ये देखिए गाजर अच्छे से पक चुके हैं दूध के साथ। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। बस हमें ये ध्यान रखना है कि गाजर कच्चे नहीं रहने चाहिए, वरना टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। यदि आपको इलायची का फ्लेवर अच्छा लगे तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। और अब हमारा कैरेट कस्टर्ड रेडी है। गर्मा गर्म कैरेट कस्टर्ड हमारा रेडी है फ्रेंड्स। आप इसे 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखने के बाद भी खा सकते हो। एक बार आप कैरेट कस्टर्ड ज़रूर बनाएं और आपके अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।